तो अभी यहाँ पे देखना कितना टूट रखा है। ओ भाई साहब डूब रहा हूँ मैं तो गाइस फिलहाल अभी गांव जाने का टाइम हो गया और अभी जूते पहन रहा हूँ मैं, तो जूते देखो कितने गंदे हो गए थे। तो अभी चलते हैं नीचे गांव, तो चलते हैं। वैसे ही रास्ता हो रखा जैसे रात को आए थे ना, वैसे ही हो रखा है रास्ता। तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, अभी धूप आ रखी है ना, तो चलते हैं। तो ये देखो रास्ता कैसा हो रखा है, और रात को आए थे, रात को तो रास्ता दिख भी नहीं रहा था, बस एक ही टॉर्च थी, लाइट थी, फ्लैश लाइट मतलब। और चलो यहाँ से ठीक है थोड़ा बहुत रास्ता, और नीचे जाके देखना कैसा होएगा। सड़कें टूट रखी है आधी, तो सड़कें तो नहीं रास्ता टूट रखा है। तो चलते हैं, ये छाता मैं इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि गांव से मांगा था किसी से और उनको वापस देना है। तो चलो, तो सड़कें देखो पूरी पार में, वहाँ पे एक घर से दिख रहा है ना वहाँ पे है सड़क, और रात को वही कह रहा था मैं सड़क, और जहाँ हम रुके थे ना थोड़ा बहुत आनंद चौक कह रहा था मैं, वो उधर है, उधर से आए थे हम, और अभी चल रहे हैं घर। तो चलते हैं, तो अभी थोड़ा बहुत भाग के जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। मुझे आता है यार ऐसे भागने में ना, बस गिर ना जाऊँ कहीं। तो जब मैं 5-6 साल का था तो मम्मी और पापा के साथ ऊपर जा रहा था जहाँ से अभी आया हूँ, और ये वो जगह है जहाँ पे हमें भालू दिखा था। तो भालू एक जगह खड़ा हो रखा था, हम भी चुपचाप चले गए थे, तो उसने कुछ नहीं करा और हमने भी कुछ नहीं करा। तो उनको अपनी डर होती है, हमें अपनी डर होती है। तो अभी चलते हैं, वो काफ़ी आगे चले गए। नीचे जाते वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऊपर आते वक्त तो होती है, और रात को तो पता ही नहीं चला यार कैसे आ गए कैसे नहीं गए। और अभी चलते हैं, ये देखो चढ़ाई कितनी थी, यहाँ से आए थे हम, यहाँ से आए थे। अभी साफ नहीं दिख रहे होगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, मेरी परछाई दिखी जा रही है बस। और नीचे साइड नदी है, ये नदी कभी नहीं आती वैसे, और अभी बारिश हुई है ना तब आई है थोड़ी बहुत। और चलते हैं आगे, और सच में जितना मेरे को गांव में आता है ना मज़ा वीडियो बनाने का, उतना कहीं नहीं आता यार कसम से। मस्त शांत होता है हर जगह, बस पानी की आवाज़ आ रही है और ऊपर थोड़े बहुत चिड़िया की आवाज़ आ रही है। तो अभी एक बार मौसम देख लो यार क्या मस्त हो रहा है वॉइस, तभी तो मन करता है मेरा यहाँ आने का। तो ये है गेहूँ की खेती ये, और यहाँ पे है नदी, यहाँ से भी रास्ता है एक, लेकिन यहाँ से नहीं आया हम, यहाँ से थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, तो यहीं से चलते हैं अभी तो। और वो देखो वो ऊपर ये साइड दिख रहा होगा, ये जहाँ पे मिट्टी मिट्टी से हो रखे, ये है सड़क। और पहले हम सड़क के पास में थे, ऊपर थे ना जब, तब बिल्कुल सामने थे सड़क के, और अब नीचे साइड आ गए, तो यही है बस नीचे जाई जा रहे हैं हम, और नीचे साइड ही हमारा गांव। तो अभी सड़क तो बनी नहीं यार, तो देखते हैं कब बनेगी सड़क, और तब तो कार में भी आ जाएंगे आराम से। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए, थोड़े बहुत पेड़ हो गए नीचे, तो यहाँ पे बहुत ही मस्त भाई साहब पानी की आवाज़ आई जा रही है बस, और नीचे भी थोड़ा बहुत पानी है। और यहाँ पे देखो कितना मस्त है यार, थोड़ा बहुत रुकने के लिए यहाँ पे छाँव भी है थोड़ी बहुत। और अभी चलते हैं नीचे, नीचे से देखना पानी आ रहा है वहाँ से, तो ये रहा पानी, बिल्कुल शुद्ध आता है पानी यहाँ से, पहाड़ों के बीच से आता है बिल्कुल पानी, और ये पीने लायक भी है। ये पानी कभी नहीं आता था, लेकिन बारिश हुई है ना जब से तब से आ ही जा रहा है पानी, और मेरे ख्याल से अभी भी होगी यार बारिश। तो अभी आगे चलते हैं, तो अभी आगे दिखाता हूँ आपको कितना टूट रखा है भाई साहब। वहाँ से हम आए थे, और पहले पानी पार कर लेता हूँ, चलो अब आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर झाड़ियाँ भी है, ये देखो पानी इकट्ठा हो रखा है एक साइड, अब यहाँ से जंप मारनी पड़ेगी, यहाँ से जंप तो क्या मारनी, साइडों से चले जाता हूँ, इतनी लंबी जंप नहीं मारी जाएगी। तो आगे चलते हैं, अब दिखाता हूँ अभी कहाँ टूट रखा है।
तो अभी जो गांव से आएगा ना, वहां से शहर से आएगा, उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये देखो हर जगह ही टूट रखा है, उनके लिए चलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। और हमें तो एक्सपीरियंस है ना बहुत सालों से, तो बचपन ही हमारे यहाँ पे हुआ है, तो हमें एक्सपीरियंस है, इसलिए हम जा रहे हैं। तो चलते हैं। तो अभी यहाँ पे देखना कितना टूट रखा है, हैं? कहाँ रखा है ये? 10 आना लगे या ओ भाई साहब, डूब रहा हूँ मैं तो। निस्मान नहीं छाल, रुक जा कहाँ। अरे हैं क्या? तो अभी फिलहाल वहाँ से आए हैं भाई साहब। कैसे आए मेरे को ही पता है, पूरा जूता धस गया मेरा। और अभी चलते हैं नीचे, मैं गिरने वाला था कसम से फ़ोन के चक्कर में ना, यहाँ पे चोट लग गई थोड़ी बहुत। और अभी चलते हैं नीचे, यही जगह कह रहा था मैं बहुत ज़्यादा हुआ है, रात को पता नहीं कैसे चढ़ गया मैं। और जूते भाई साहब दलदल में नहीं धसते जिस तरह, वैसे ही धस गए। तो ये तो मेरे बाएँ हाथ का खेल था, बस थोड़े बहुत कांटे चुभ गए, और नीचे भी गिरने वाला था मैं, बाकी कुछ नहीं हुआ। वो तो दलदल में दलदल नहीं फंसता जिस तरह भाई साहब, पूरा नीचे चला गया था पैर मेरा। और अभी आगे देख के चलता हूँ, नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ गिरूँगा यार। मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है, अगर गिर गया मैं कोई बात नहीं, अगर वीडियो ना बने ना वो चीज़ टेंशन है मेरे लिए, तो वो वीडियो बननी चाहिए जरूर, गिरते वक्त की भी बननी चाहिए। और यहाँ पे नदी की बहुत अच्छी साउंड आ रहा है, तो धूप की वजह से मैं ढंग से नहीं दिख रहा यार, अब दिख रहा हूँ थोड़ा बहुत। अब चलते हैं घर, घर पहुँचने वाले हैं हम, और रास्ते में दिखाऊंगा मैं आपको नागराजा मंदिर, जो हमारे गांव का मंदिर है, तो अभी देखना। तो यहाँ से आ रहा पानी, और यहाँ पर टूट रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई ख़तरा नहीं है, साइडों से आ जाएगा। और अब चलते हैं, अब दिखाता हूँ मंदिर आपको। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा, हमारे गांव का विशाल मंदिर, जो कि बहुत अच्छा बना दिया अब। और अब चलते हैं घर की तरफ, यहाँ पे पानी देखो कितना आ रहा है। ये है छोटा सा वाटरफॉल, अब इसको पार करना है, ये रहा पत्थर, तो वो पार कर लिया। और यहाँ पे भी टूट रखा था देखो नीचे से कितना, थोड़ा सा गैप है बस, यहाँ पे अगर किसी ने पैर रख दिया ना नीचे जाएगा पूरा। तो अभी साइडों से चल लेता हूँ, क्यों फालतू में पैर तोड़ाने। और ये मंदिर देखो भाई इसका, जय भगवान जी, नागराजा मंदिर है हमारा। और अभी चलते हैं घर। तो अभी गांव के बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मोटा हो गया तू, मोटा हो गया, तो अभी देखो पतले होने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पहाड़ों में तो बंदा पतला ही हो जाता है यार, पहाड़ों में आके, तो वहाँ पे मोटा इसलिए हो गया था क्योंकि आजकल तो बारिश हो ही आ रही है, रनिंग करने भी नहीं गया था, तो यहाँ पे हो रही है कसरत थोड़ी बहुत। अब घर आने वाला है हमारा, तो चलते हैं। तो अभी हमारे घर के नीचे बहुत सारे बंदे आ रखे होंगे, जो बड़े बड़े भी हैं और छोटे छोटे भी, तो किन्हीं को नहीं जानता मैं, क्योंकि साल में आता हूँ मैं तो घर, 2-3 साल बाद आ रहा हूँ, नहीं पहले 2-3 साल बाद आया था, और तब 1-2 महीने बाद, अब तो 2-3 महीने बाद आ रहा हूँ, तो किन्हीं को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता मैं, और वो भी शायद मेरे को नहीं जानते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो गया मैं। तो अभी फ़िलहाल वीडियो बनाते बनाते, वो चंडीगढ़ में राकेश रहता है ना, गांव का ही बंदा है, तो उनकी मम्मी दिख गए थे, वो हंस रहे थे, मैं भी शर्मा गया भाई साहब एकदम बोलते बोलते दिख गए। तो मैं क्या कह रहा था, तो हाँ मैं किसी को भी नहीं जानता यार, ना वो मेरे को जानते, मैं बस यूँ करता हूँ नमस्ते नमस्ते बस। और अगर पूछते हैं कौन है तू, तो मेरे पापा का नाम बता देता हूँ, वो जान लेते हैं। तो ये रहा हमारा एंट्रेंस गेट गेट तो क्या। तो फिलहाल आ चुके हैं हम गांव में, ये रहा अपना गांव, हो क्या मस्त लग रहा है। और अज्जू भेजी प्रणाम ओ नंगे नाना प्रणाम कर नाश्ता कर ले बस करी काम में